ओम शांति। ओम शांति। और जब आप संगठन में मुरली सुनते हो तो आप कितनी बड़ी सेवा करते हो वो आपको नहीं पता, आप सुन लीजिए। संगठन की, संगठन का क्या महत्व होता है, और जब हम संगठन में मुरली सुनते हैं तो हम किस प्रकार से सेवा करते हैं। आप केवल अपनी सेवा नहीं लेकिन विदेश सारे विश्व की सेवा करते हो। एक बार रसिया देश के अंदर वहाँ की गवर्नमेंट ने अपने कुछ सीआईडी भेजे रसिया ब्रह्मा कुमारी सेंटर के अंदर कि जाओ देखो ये ब्रह्मा कुमारी संस्था आखिर क्या सुनाते हैं, इनकी संस्था सारे विश्व में फैल गई आखिर सुनाती क्या है। तो उस सीआईडी लोग आए ब्रह्मा कुमारी सेंटर में क्या करने, देखने, पता करने। तो ब्रह्मा कुमारी सेंटर का क्या होता है नियम कि भाई कोई भी आता है तो पहले क्या करना पड़ता है, 7 दिन का। अब उनका 7 दिन के कोर्स का एक ही उद्देश्य था कि मैं क्लास में जाऊं, बैठूं और होता क्या है वो चीज देखूं। तो 7 दिन का कोर्स किया, बड़ा अच्छा लगा, है ही अच्छा तो अच्छा लगेगा ही। फिर वो मुरली क्लास में आए, मुरली क्लास अटेंड किया, बहुत सुंदर लगा, जैसे आप सबको अच्छा लगा। तो अपने गवर्नमेंट को जाकर के बताया भाई ब्रह्मा कुमारी संस्था तो बहुत अच्छी बातें, बहुत हाई लेवल की बातें सुनाते हैं, चरित्र निर्माण की बातें सुनाते हैं, बहुत ऊंची बातें हैं उनकी। तो उनके गवर्नमेंट ने कहा अच्छा इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो उन्होंने कहा इसका हेडक्वार्टर तो भारत के अंदर है माउंट आबू में। तो कहा वहाँ जाओ, वहाँ देखो वहाँ क्या सुनाते हैं। तो वो लोग आए ज्ञान सरोवर में, आए पीस ऑफ माइंड रिट्रीट उन्होंने अटेंड किया, पांडव भवन देखा, शांति वन देखा, ज्ञान सरोवर देखा, सब कुछ देखने जानने समझने के बाद वो अपने यहाँ जाकर अपने गवर्नमेंट को एक बात सुनाते हैं कि ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सारे विश्व में क्यों फैली है। तो उन्होंने सुनाया, क्या सुनाया होगा अगर आपसे पूछा जाए, तो क्या बताया होगा, विश्व कल्याण की बातें, और जो यहीं पर है स्थापना की है, बहुत सुंदर, सबकी बातें बहुत अच्छी है। उन्होंने क्या बताया आपको वो सुनकर के अपने आप पर ही गर्व होगा, लेकिन जो संगठन में रोज मुरली सुनते हैं उनको, उन्होंने कहा ब्रह्मा कुमारी संस्था के अंदर रोज एक संगठन होता है जिसको वो लोग बोलते मुरली क्लास। ये मुरली की ही चमत्कार है कि सारे विश्व में ये लोग फैल गए हैं। तो ये कब सेवा हुई, जब आपने यहां संगठन में आकर के मुरली सुन। अगर घर में बैठ करके मुरली पढ़ लेते तो ये सेवा होती, तो अब क्या करना है। हाँ, आप संगठन में मुरली सुने तो आपने क्या किया, सारे विश्व की आत्माओं की सेवा कर दिया। यह है संगठन में मुरली सुनने का महत्व। तो एक ये नियम बना लेना चाहिए कि हमें रोज बाबा के घर में सेंटर पर जाकर के संगठन में मुरली सुननी है।